मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमारा पोटिंग मिक्स तैयार हो गया है। ये बिल्कुल देसी तरीके का पोटिंग मिक्स है जो। तो नमस्कार दोस्तों, और आप सब जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आने वाला है और विंटर गार्डन के लिए हमारी जो तैयारी है वो जोरों शोरों पर चल रही है। ये आप देख भी रहे होंगे, हमने पिछले कुछ दिनों से अभी 2 वीडियो डाली थी जिसमें बताया था कि कौन कौन से पौधे आप सर्दियों के गार्डन में लगा सकते हैं फूलों के, और उसके बाद उनकी जो सॉइल मीडिया है वो किस तरह से आप तैयार कर सकते हैं, वो कौन सी सॉइल मीडिया आपको लेनी है जिससे कि आपकी जो जर्मिनेशन रेट है वो काफ़ी अच्छा रहे। और केवल 4-5 दिन हुए हैं अभी, और आप देख भी रहे होंगे ये 22 तारीख में हमने लगाए थे और आज 26 तारीख है। 4 दिन में ही काफ़ी सारे जो पौधे हैं वो जर्मिनेट होनी शुरू हो गई है, ये देखिए, और बाहर निकलने ये शुरू हो गए हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको किस तरह से अपने जो पौध तैयार करनी है और कौन सी मिट्टी में आप इनको लगा सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो थी वो हमारी नर्सरी में जिस तरह से सीडलिंग ग्रो की जाती है उसके ऊपर थी, लेकिन आज हम बिल्कुल देसी तरीका बताएंगे। देसी मतलब कि आप इजीली ये सारे सामान आपके पास उपलब्ध हो जाए, ऐसा तरीका हम बताएंगे, क्योंकि हर किसी के पास ज़रूरी नहीं होता कि सारी चीज़ें उपलब्ध हों। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारा आज का जो वीडियो है, किस तरह से आप एक नॉर्मल तरीके से भी जो सीडलिंग है वो ग्रो कर सकते हैं और अपने घर पर ही मिट्टी तैयार करके आप पौधे लगा सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो, और सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, ये नॉर्मल जो गार्डन है उसकी मिट्टी है, हमारे गार्डन की ये मिट्टी है नॉर्मल, ये देखिए। पिछली वीडियो में तो हमने थोड़ा सा नर्सरी के तरीके से लगाना बताया था सीडलिंग को, और आज बिल्कुल अपने देसी तरीके से हम लगाना बताएंगे किस तरह से अपनी मिट्टी में ही आप सीडलिंग को तैयार कर सकते हैं, पौध को तैयार कर सकते हैं, और उसको फिर आप तैयार करने के बाद ट्रांसप्लांट कर सकेंगे। तो ये नॉर्मल गार्डन सॉइल है और ये अच्छी तरह से सुखा ली गई है। सुखाने के बाद ये बिल्कुल, इसको जो डले हैं इसके या इसमें मोटे मोटे जो कंक्रीट हैं उनको हटा लिया गया है। और दूसरी चीज़ हम लेंगे, ये देखिए, ये राइस हस्क है, चावल का जो छिलका होता है वो है ये। और इसको क्यों यूज़ करेंगे हम, उसका कारण है कि जो मिट्टी है वो थोड़ी सी हार्ड अगर आपके पास है तो उसको हल्का बनाने के लिए, क्योंकि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप कोकोपीट में ग्रो करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम कोकोपीट का जो इस्तेमाल है वो नहीं करेंगे। मेरे पास कोकोपीट भी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सभी जो है गार्डनर हैं उनके पास सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पाती अलग अलग कारण से। तो बजट में आप नॉर्मल तरीके से ये चीज़ें आपको सारी गांव में ही या अपने आसपास आपको मिल जाती हैं, इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी हो गई और मिट्टी के साथ में जो राइस हस्क है वो हो गई। ये दोनों चीज़ें आप कितनी कितनी मात्रा में लेंगे, आइए जानकारी करते हैं। तो आइए बनाते हैं अपना पोटिंग मिक्स, तैयार करते हैं, और तैयार करने के लिए एक मेजरमेंट हमने लेना है। तो ये डिब्बा हमने ले लिया है, इस डिब्बे से मेजरमेंट करेंगे। ये खाली पेंट का डब्बा है, और कोई भी आप नॉर्मल डब्बा आपके पास आसपास जो उपलब्ध हो वो आप ले सकते हैं। जो आड़ कबाड़ है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कचरा है वो ज़्यादा हमारा ना फैले और साफ़ सफाई का ध्यान थोड़ा सा बना रहे। तो एक डब्बा हम इसका मेजरमेंट लेंगे, और एक डब्बा तो ये हम मिट्टी के अपने 2-3 डब्बे मिट्टी के डालेंगे। 3 डब्बे हमारे मिट्टी के डालेंगे हम, और उसके बाद ये 3 डब्बे हो गए हमारे। अब 3 डब्बे के बाद एक डब्बा हम जो राइस हस्क है इसका ये डालेंगे हम। तो ये
75% और 25% का ये रेशियो हो गया। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे क्या है कि हमारा जो मिट्टी है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और इसमें जो एरेशन है वो काफ़ी बना रहेगा। और आपके पास अगर मिट्टी में भी ज़्यादा हार्ड मिट्टी आपके पास है तो उसमें एक काम और कर सकते हैं आप, जो नदी की जो रेत होती है रिवर सैंड, वो एक पोर्शन अगर आप मिला लेंगे तो उसकी हार्डनेस और थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हमारी जो मिट्टी है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमने राइस हस्क मिला लिया है। अब हमारा जो पोटिंग मिक्स है वो बन गया है। इसमें एक चीज़ और हमने ऐड करनी है, वो है ये देखिए, ये नीम की खली है। जो नीम की निमोलिया होती हैं उनको प्रोसेस करके इसको बनाया जाता है। और मेरी तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको जहाँ से भी आप ख़रीदें, खाद बीज की दुकान से, थोड़ी अच्छी दुकान से ख़रीदें, क्योंकि इसमें अलग अलग तरह की मिलावट इसमें आजकल आ रही है, तो देखकर ही आप लें। ये लगभग 2 मुट्ठी के आसपास हमने इसमें डालनी है। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी मिट्टी है उसमें फंगस की जो चांसेस हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे। वैसे हम फंगिसाइड पाउडर भी डालते हैं, और फंगिसाइड पाउडर आप लगभग इसमें 1 चम्मच आप मिला सकते हैं फंगिसाइड पाउडर का भी। ये हम 1 चम्मच लगभग फंगिसाइड का पाउडर भी इसमें मिला लेंगे, तो इससे फंगस बिल्कुल भी हमारी जो सीडलिंग है उसमें नहीं आएगी। ये देखिए, अब इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हमारा पोटिंग मिक्स तैयार हो गया है। ये बिल्कुल देसी तरीके का पोटिंग मिक्स है जो नॉर्मली हम आज तक यूज़ करते आए हैं। हाईटेक तरीके से तो वो पिछली वाली वीडियो मैंने बताई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी आप देख सकते हैं किस तरह से नर्सरी वाले ग्रो करते हैं। तो ये मिट्टी बिल्कुल तैयार हो गई है। अब हमने एक ऐसा पॉट लेना है जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। ये देखिए, ये मैं एक मेरे पास खाली प्लास्टिक की कैन थी, उसको मैंने कट कर लिया है, और लगभग इसका जो गहराई है वो 3-3.5 इंच की होगी। तो इससे ज़्यादा गहरा आपने नहीं लेना है। उसका कारण है कि ज़्यादा गहराई में जो है वो मिट्टी में सड़न आ जाती है, उससे क्या होगा कि इसमें गैस बनेगी और फिर जो सीडलिंग है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें लगभग 3-3.5 इंच की है ये, इसमें 2 इंच की आपको मिट्टी भर लेनी है अपनी, और 2 इंच भरने के बाद मिट्टी अच्छी तरह से इसमें भर लेनी है आपको। तो इसको इतना भरने के बाद आप किसी भी फ्लैट सरफेस से या जिस तरह का, जैसे मैंने ये डब्बा लिया है उसी से ही आप इसको हल्का सा दबा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो पोटिंग मिक्स है उसमें एरेशन ज़्यादा नहीं रहेगी। तो ये मैंने अच्छी तरह से इसको दबा दिया है। अब बारी आती है सीड्स लगाने की। तो मैं आज जो सीड्स लगा रहा हूँ वो मैरीगोल्ड अफ्रीकन मिक्स है। इसके सीड्स मैं लगा रहा हूँ, वैसे अभी मेरे पास इसके सीड्स लगे हुए हैं, लेकिन वो पौधे बड़े हो गए हैं, वो दिवाली तक उन पर फूल आ जाएगा। इसके बाद ये मेरी दूसरी वाली जो सीडलिंग आज लगा रहे हैं ये शुरू हो जाएगी। तो आइए इसको लगाते हैं, देखते हैं। इसमें F1 वैरायटी के ये बीज हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के मिक्स वैरायटी के बीज हैं। तो ये देखिए, ये बीज आप देख रहे हैं, और इनको अलग अलग ही करके आपने मिट्टी में डालना है। लगभग 1 इंच के आसपास, 1 इंच का जो गैप है वो इनमें आपको रखना है। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा गैप रखने के बाद ये सारे सीड्स डाल देने हैं। अब सीड्स के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा आपको जो आपकी मिट्टी है वो हल्के हल्के से स्प्रिंकल कर देनी है। ज़्यादा इसके ऊपर आपने मिट्टी नहीं डालनी है, ज़्यादा सीड्स गहराई में नहीं पहुंचाने हैं, केवल इतना डालना है कि सीड्स आपके ढक जाएं। ये देखिए, और ये सीड्स हमारे लगभग लगभग ढक। तो इस तरह से दोस्तों हमारे सीड्स बिल्कुल लगकर अब तैयार हो गए हैं। अब वाटरिंग का समय आ गया है। वाटरिंग के लिए आप चाहे तो, आपके पास अगर स्प्रेयर है तो उससे आप वाटरिंग कर सकते हैं। अगर स्प्रेयर नहीं है तो कोई भी बोतल आप प्लास्टिक की लेकर उसमें आप छेद कर लीजिए, और उसके ढक्कन में छेद करने के बाद आप उससे भी वाटरिंग कर सकते हैं। तो वाटरिंग आपको पहली बार जो है वो अच्छे से करनी है, और ज़्यादा फोर्सफुली आपको वाटरिंग नहीं करनी है। इसमें आपकी जो सीड्स है जब तक जर्मिनेट नहीं होते, जब तक आपको
इसका ध्यान रखना है कि इसमें जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए, और सुबह की 2-3 घंटे की धूप आप इनको ज़रूर लगाएं। ऐसी जगह आप रखें जहाँ से इनको धूप 2-3 घंटे की मिल जाए, उसके बाद ज़्यादा धूप में इनको नहीं रखना है। अगर ज़्यादा धूप में रखेंगे तो भी ये ख़राब हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको मैंने दिखाई दिया है कि मैंने जो अभी कुछ दिन पहले सीड्स लगाए थे वो ग्रो होने स्टार्ट हो गए हैं, जर्मिनेशन उनका शुरू हो गया है। ये देखिए, ये छोटे छोटे सीड्स आप देख रहे होंगे, ये पॉपी के सीड्स हैं, और लगभग 20-25 वैरायटी हमने लगाई है। ये सारे ही जर्मिनेटन की स्टार्ट हो गई, और कुछ ही दिनों में इनकी ग्रोथ और बढ़ जाएगी। तो इसकी अपडेट भी मैं आपको दूंगा कि इनकी कैसे कैसे ग्रोथ बढ़ रही है। तो ये ही था आज की वीडियो में, और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी और अपडेट आती रहेंगी। तो चैनल पर आप बने रहिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कीमती समय के लिए। नमस्कार।